नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। धनुषा में पोखर में डूबकर तीन बालिका के मृत्यु भेल छे। धनौजी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 बहुअरवा में पोखर में नहाय गेल तीन बालिका के नहेबा क्रम में पोखर में डूबकर मृत्यु भेल छे। मृत्यु होवला में धनौजी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 बहुअरवा के 11 वर्षक मुस्कान खातून, 10 वर्षक अजमेरी खातून आ 9 वर्षक जिन्नत खातून रहल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रंजन आवाज जानकारी देलन अछि। मृत्यु भेल तीनों गोटे के सब पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में राखल गेल छै। राजनामा बुझावा बालवाटार पहुंचल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मंत्री सब प्रधानमंत्री के सांत्वना संगे काज में घुरल छै। बृहस्पति दिन भिनसर प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार में राजनामा देव पहुंचल उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रवि लामेछाने सहित के रासोपा के मंत्री सब राजनामा नै द क सिंह दरबार घुरल छै। प्रधानमंत्री पुष्पन दहाल रासोपा संग सहयोग मांगने आ प्रधानमंत्री विश्वासक मत के सामना करबाक कहला संगे अपना सब संविधान देने प्रधानमंत्री के अधिकार के समर्थन कैने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक संतोष परियार बतौलन अछि। ओ परामर्श में प्रधानमंत्री पिछला परिस्थिति के समग्र विश्लेषण कैने सेहो बतौलन। ओ अपना संवैधानिक अधिकार के प्रयोग करबाक आ एहिमे रासोपा के सहयोग आवश्यक बतौला बाद जल्दी विश्वासक मत लेबाक व्यवस्था मिलाब प्रधानमंत्री संग आग्रह कैने बतौलन। राजीनामा दिन भनेर हामी आज आएका थियौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले अलिकति छलफल गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूसँग भनेर भन्नुभयो र कुरा गऱ्यौँ हामीले। पछिल्लो परिस्थितिको समग्र विश्लेषण भयो र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब राजनीतिक घटनाक्रम जसरी बढेको छ त्यसमा मैले चाहिँ आफ्नो एउटा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्छु, म संसदलाई फेस गर्छु, किनभने यो संसदले जनताका प्रतिनिधिहरूले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्, मैले त्यो संसदलाई जवाफ दिनुपर्छ। प्रमुख सचेतक परियार अखनके परिस्थिति रासोपा निक काज कैलाके कारण से आयल सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी महामंत्री तथा प्रवक्ता डॉक्टर मुकुल ढकाल के निलंबन कैने छै। बुध दिन 12 घंटा से अधिक समय बैसल केंद्रीय समिति बैठक महामंत्री ढकाल के अनुशासनात्मक कार्यवाही करैत 7 दिन के लेल महामंत्री आ प्रवक्ता के जिम्मेवारी से समेत निलंबन कैने छै। ढकाल के महामंत्री तथा प्रवक्ता पद से 7 दिन के लेल निलंबन कैल गेल। सह प्रवक्ता मनीष झा सार्वजनिक कैने निर्णय में लिखल छै। साथे सभापति के प्रस्ताव में दोसर व्यवस्था नै होवऽ धैर्य के लेल पार्टी के सह महामंत्री कविन्द्र बुरला कोटी के कार्यवाहक महामंत्री आ पार्टी सह प्रवक्ता मनीष झा के कार्यवाहक प्रवक्ता समेत तोकल गेल छै। तहिना रासोपा ढकाल के और कार्यवाही कर प्रतिवेदन सहित केंद्रीय समिति में सिफारिश कर अनुशासन आयोग के निर्देशन देवाक निर्णय कैने छै। केंद्रीय समिति के बैठक में पार्टी महामंत्री ढकाल पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन कैने आ पार्टी के छवि में प्रतिकूल प्रभाव करबाक अभिव्यक्ति दैत चलल आरोप केंद्रीय समिति लगौने छै। बैठक में महामंत्री ढकाल तैयार कैने प्रतिवेदन ऊपर केंद्रीय सदस्य सब धारणा राखने छल। सहकारी संस्था बचत तथा रकम दुरुपयोग संबंध में गठित संसदीय छानबीन विशेष समिति समस्याग्रस्त 29 सहकारी संचालक के समिति में उपस्थित होवा निर्देशन देने छै। बृहस्पति दिन सिंह दरबार में बैसल संसदीय छानबीन विशेष समिति अनुसूची में रहल 29 सहकारी संचालक के समिति में उपस्थित भक अनुसंधान में सहयोग कर आग्रह कैने छै। समिति के बैठक के विषय में जानकारी करबैत समिति के संयोजक सूर्य बहादुर थापा अनुसूची में रहल 29 सहकारी के छानबीन के दायरा में समन्वय संपर्क में समिति के अनुशासन में अनुसंधान में उपलब्ध भ कर सहयोग कर आग्रह कैने बतौलन। ओ सहकारी संचालक सब के कानून अनुसार उपस्थित होवा आग्रह कैने कहत उपस्थित नहीं भला पर कानून बमोजिम कार्रवाई हेबाक समेत चेतावनी देलन अछि। ओ समिति गृह सचिव प्रहरी महानिरीक्षक सहित के समेत शुक्र दिन बैसा वाला बैठक में उपस्थित होब आग्रह कने बतौलन। व्यवस्थित करने संदर्भ में संपत्ति शुद्धिकरण गर्नुपर्ने लगायत का सुपरिवेक्षण का संदर्भ में देखाइएका कैफियत को संबोधन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
लगायतका कुराहरु पनि राख्नु भएको छ। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरणले यो क्षेत्रका ओ बृहस्पति दिन के बैठक में महालेखा परीक्षक तोयम राय, संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग के प्रमुख महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराय आ सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमरे सहित के अधिकारी के बजाक सहकारी प्रकरण के विषय में जानकारी लेने से बतौने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष सम्मानित नेता आ महासचिव में सर्वसहमति से नेतृत्व चयन कयने छै। बृहस्पति दिन झलनाथ खनाल नेतृत्व के अध्यक्ष मंडल माधव कुमार नेपाल के अध्यक्ष झलनाथ खनाल के सम्मानित नेता आ घनश्याम भूषाल के सम्मानित नेता में चयन कयने छै। महाधिवेशन हल सम्मानित नेता खनाल अध्यक्ष में माधव कुमार नेपाल, पार्टी के सम्मानित नेता में झलनाथ खनाल आ पार्टी के महासचिव में घनश्याम भूषाल सर्वसम्मत चयन भेल घोषणा कयलनि अछि। ओ आब 299 सदस्य सब भेल केंद्रीय कमिटी आ निश्चित पदाधिकारी चयन कर बाकी रहल जानकारी दिलन। पार्टी को सम्मानित नेता में कमरेड झलनाथ खनाल हामी भित्र अब तपाईहरुको पनि यसमा सर्वसम्मत हो भने फेरि एक पटक हल गुन्जायमान गर्दैन। यतिमा चाहिँ हामी सचिवालय बैठक बेस क बाँकी काज निष्कर्ष लगेबाक्सी हो बताउने छलैथ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के निवर्तमान महासचिव घनश्याम भूषाल प्रधानमंत्री कुशवाहा दाहाल के विश्वासक मत देवाक बतौलन। बृहस्पति दिन महाधिवेशन स्थल कमलाधीन में संचारकर्मी संग बात करते महासचिव भूषाल अपना सब कुशवाहा दाहाल नेतृत्व के वर्तमान सरकार के फिरता नहीं हेबाक बतौलन। वो प्रधानमंत्री के अपना सब के समर्थन जारी रहबाक बतौलन। पार्टी के निर्णय सर्वसहमति में निष्कर्ष में पहुँचेबाक प्रयास भेल सेहो बतौलन। ओ महाधिवेशन से निकलित काल पार्टी के एकताबद्ध आ उत्साहित कोना के बनेबाक कहल विषय में प्रतिनिधि सब के चाख चिंता आ संकल्प रहल कहत अपना से वही अनुसार आगा बढ़ल बतौलन। नेतृत्व सर्वसम्मत चयन करबाक लेल समय लागल कहत परिणाम निक अयबाक हुनक कथन छल। मूल्य हामी मानेरै जान्छौं र सकेसम्म त्यो पनि नहोस् भन्ने कुरा त हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ, आज पनि भन्न परेन होइन। निर्वाचनमा जान नपरिकन सर्वसम्मतिमै सबै मामला टुङ्ग्यौँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ, त्यसमा अहिलेसम्म पनि हामी निराश छैनौँ। यी त अनेक हल्लाभन्दा पनि यसो यी समाधानका विभिन्न मोडालिटीहरू हुन्, हल्ला मात्रै होइनन्, विभिन्न छन्। त्यसमध्ये कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, कुन मोडालिटीबाट हामी ओ अपना सब हर्षक निर्वाचन में जिया नहीं चाहने से हो बताने चले थे। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सचिव जीवन राम श्रेष्ठ विद्रोह बाद के पहल महाधिवेशन भेला से सर्वसहमति से कर पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब सुझाव देने बतौलन। बृहस्पति दिन वो अध्यक्ष पद के लेल वर्तमान अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आ महासचिव घनश्याम भूषाल बीच दावेदार प्रस्तुत भेल कहत कार्यकर्ता के सुझाव अनुसार सर्वसहमति में नेतृत्व चयन हेबाक बतौने छलथि। ओ मतांतर नहीं कह सर्वसहमति में बढ़ला पर अगला दिन में सेहो पार्टी के फायदा हेबाक सुझाव अयला से कार्यकर्ता के सुझाव अनुसार आगा बढ़ल बतौलन। पार्टी अखाड़ 16 गते से काठमांडू में महाधिवेशन कर रहा है। आज सर्वसम्मत में नेतृत्व निष्कर्ष नहीं लगला पर निर्वाचन से नेतृत्व चयन हेबाक से ओ बतौने छलथि। छलफल सकेर हिजो यो 19 गते चाहिँ त्यसलाई सबैले आफ्नो समूहमा भएको छलफलहरू चाहिँ नि प्रस्तुत गर्ने काम भयो र त्यसमा आएका सुझावहरू र प्रश्न जिज्ञासाहरूलाई सम्बन्धित चाहिँ नि प्रस्तोताहरूले त्यहाँ उत्तर दिने कामहरू गर्यो र ती कतिपय सुझावहरूलाई समेत समावेश गर्ने गरी ओ महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर परामर्श भएको सर्वसहमतिसँग पारित भ चुकल सेहो बताउने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे।
जब केश हेत मजबूत तब लागब आरो सुंदर असली आंवला डाबर आंवला। अपन सभक जीवनक आधार पानि एवं स्वस्थ आ समृद्धिक शुरुआत सेहो पानि। की हमरा अहाँ के पता छै अहाँक परिवारक स्वास्थ्यक लेल कोन पानि पिनाइ नीक रहत? बाजार में रहल अनेको पानि सँ शुद्ध आ स्वच्छ पीबत चाहै छी तऽ गुरु ड्रिंकिंग वाटर चुनू। अहाँक पानि के उत्तम मापदंड में शुद्ध कऽ कऽ बाजार में पठाओल जाय छै ताकि अहाँ आ अहाँक परिवार के शुद्ध स्वच्छ आ सुरक्षित पानि भेटे। अहाँ के दिन भरक थकान मेटाबा हो या स्वास्थ्य के ख्याल करब, सब दिन अहाँ के साथ में शुद्ध आ स्वच्छ विश्वासक एकेटा नाम गुरु ड्रिंकिंग वाटर। स्थान जनकपुर धाम वार्ड नंबर 9 पिराड़ी चौक थनसा नेपाल। संपर्क नंबर 98542417 98096406056। अंकल शॉपिंग लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छ? डाक्टर भन्छु, बेस्ट कलेजेस मा अप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि, म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्यारासुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरुका लागि यो तीन तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्यारासुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। ग्लिसरिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्रामबार समाचारमा स्वागत छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई के मौका परीक्षा देवला विद्यार्थी के लेल निःशुल्क अनलाइन कक्षा सञ्चालन करेबाक बतौलने छ। शुक्र बृहस्पति दिन रूपन्देही में 2080 साल के एसईई परीक्षा में उत्कृष्ट नतीजा हासिल करयवला विद्यार्थी तथा विद्यालय के सम्मान करैत ओ एहन घोषणा कयलनि अछि। ओ एसईई परीक्षा नीकसँ उत्तीर्ण करेबाक लेल अंग्रेजी, गणित, ऑप्शनल मैथ, साइंस आ सामाजिक विषय के कक्षा सब ऑनलाइन मार्फत उपलब्ध कराओल जेबाक बतौलनि। ओ काठमांडू सँ गुणस्तरीय शिक्षक ऑनलाइन मार्फत शिक्षा देबाक सेहो बतौलनि। ओ ऑनलाइन कक्षा के व्यवस्था देश भरि करबा कहैत निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा लेबाक लेल के पी शर्मा ओली फेसबुक पेज में संपर्क राखब सेहो आग्रह कयलनि। ओ पेज में संपर्क नंबर छोड़ला बाद ऑनलाइन कक्षा में जुड़ि कऽ ऑनलाइन कक्षा के लाभ लेल जा सकबाक बतौलनि। गुणस्तरीय शिक्षक उहाँले नै शिक्षकहरूले नै तालिम पाएको छैन, शिक्षकले गुणस्तरको छैन, जसले नलेज ट्रान्सफर गर्न सक्छ, सम्प्रेषण गर्न सक्छ। नलेज ट्रान्सफर गर्नु पहिले आफूसँग नलेज हुनुपर्छ, नलेजको स्किल हुनुपर्छ, हाउ टु ट्रान्सफर द नलेज। विद्यार्थीहरूले मौका परीक्षा दिन पाउँदै हुनुहुन्छ, मौका परीक्षा दिनका लागि तर 23 गते श्रावणमा अध्यक्ष ओली शिक्षक सबके आवश्यक तालीम देव नै सकला सँ गुणस्तरीय शिक्षक पाव कठिन रहल कहैत नॉलेज ट्रांसफर करल जा सका वाला क्षमता भेल शिक्षक सबके आवश्यकता रहल बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा नेकपा एमाले संग सहकार्य केने किछु समय मे फेर सँ दोसर समीकरण के प्रयास केला बाद प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व के सरकार सँ एमाले बहरायल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन विराटनगर में संचारकर्मी संग बात करैत ओ एना बतौलनि, ओ अखन के संपूर्ण परिस्थिति बननाय के पहिल कारण प्रधानमंत्री दाहाल स्वयं रहल बतौलनि। ओ प्रधानमंत्री दाहाल के अस्थिरता के कारण अखन के परिस्थिति आयल दावी कयलनि। ओ प्रधानमंत्री दाहाल के अस्थिर चरित्र में कोनो भी दल विश्वास कर नहीं सकला बाद नेकपा एमाले आ नेपाली कांग्रेस मिलल बतौलनि। अहिलेको यो परिस्थिति बनेको यसको सम्पूर्ण कारण भनेको चाहिँ अहिलेको वर्तमान प्रचण्ड अस्थिरताको कारण हो। नयाँ सरकार बनिसके पछाडि, अहिले नयाँ गठबन्धन बनिसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको हामी कसैलाई नयाँ गठबन्धन बनोस् भन्ने चाहना थियो होला, कसैलाई थिएन होला। मेरो चाहना प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने रहनुपर्ने उपयुक्त हुन्छ भन्ने थियो होला, अरू कसैको चाहना होइन। सरकार नयाँ महामंत्री थापा नेपालक राजनीति में दहाल के विश्वास करब कठिन रहल बतौने छलथि।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री भानुभक्त जोशी राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपना सेहो मंत्रालय के सब काज चुस्त ढंग से कर नहीं सकल बतौलन है। कांग्रेस एमाले बीच नया सत्ता समीकरण के लिए समझदारी भेला संगे ओ ई प्रतिक्रिया देलन है। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में मंत्रालयगत बजट ऊपर के परामर्श में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में मंत्री जोशी राजनीतिक अस्थिरता से मंत्रालय के काज व्यवस्थित ढंग से कर सेहो व्यवधान खड़ा भेल बतौलन। ओ अपना निजामती सेवा आइन संबंधी विधेयक के जल्दी पारित कर संसदीय समिति या राजनीतिक दल सब संग प्रयास केलो केने सेहो बतौलन। मंत्री जोशी कर्मचारी सब के सरुआ जल्दी से जल्दी हेबाक अवस्था अंत्य कर सेहो अपना हर संभव प्रयास क रहल बतौलन। सात शर्मा ले बागलिनु भएको थियो भने अप्रत्यक्ष ढंग भने सबै मान्य ज्यूलाई सम्मान्य अध्यक्ष ज्यू मार्फत म धन्यवाद दिन चाहन्छु। संघीय मामला तथा आयोगको कुरा जानकारी छ, संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि अहिले चुनौतीहरू छन्। कर्मचारीहरूको मार्गदर्शकको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेशले आफ्नै खालको मन्त्री जोशी संघीय निजामती सेवा ऐनके अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहमै कर्मचारीको उचित व्यवस्था हुन नै सकल सेहो बताउने छलैथ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा नेपाल के सूचना प्रविधि के हब के रूप में विकास करबाक बतौलन। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में मंत्रालयगत बजट ऊपर के परामर्श के क्रम में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में ओ ई बात बतौलन। मंत्री शर्मा अगला आर्थिक वर्ष के अगला दशक के सूचना प्रविधि दशक के रूप में आगा बढ़ाव, अगला आर्थिक वर्ष के प्रारंभिक वर्ष के रूप में लक वही अनुसार के काज के शुरुआत करबाक योजना सेहो प्रस्तुत केने छलथि। ओ सरकार सूचना प्रविधि दशक के राष्ट्रीय प्राथमिकता अभियान के रूप में आगा बढ़ेबाक लेल निजी क्षेत्र संघ के सहकार में मार्गचित्र तैयारी कार्यान्वयन करबाक सेहो बतौने छलथि। सामान्यतया हिजो हामी संसदमा छलफल गर्यौं र गर्दाखेरिमा संचार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खासै विषयहरू उठेका छैनन्। केही सकारात्मक सुझावहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्, त्यसलाई म सकारात्मक ढङ्गले नै ग्रहण गरेर लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र संचार मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले यो विनियोजन विधेयकमा गरेका व्यवस्था, आगामी बजेटमा हामीले सोचेका योजनाहरूका विषयमा संक्षिप्तमा म केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। मन्त्री शर्मा सूचना प्रविधि क्षेत्रके मार्फत सरकार रोजगारी सृजना गरेत अहि सम्बन्धी सेवा निर्यात गर चाहने सेहो बताउने छलैथ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप यादव सरकार परीक्षा लक लाइसेंस देने चिकित्सक सबके क्षमता में प्रश्न उठाव नै हेबाक बतौने अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में विनियोजित विधेयक ऊपर सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत ओ एना बतौलन। ओ सरकार ले वाला परीक्षा षड्यंत्र रहित रहला सँ चिकित्सक आ नर्स सब दक्ष रहल बतौलन। ओ सरकार चिकित्सक सब संग स्वच्छ रूप से परीक्षा लेबाक आ नतीजा निकालत आयल सेहो बतौलन। ओ देशभरि खटल 50,000 से अधिक स्वयंसेविका सबके विषय में राज्य द्वारा सोचब आवश्यक रहल बतौने छलैथ। पेश भएका कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रीय सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ 5,000, 10,000 र 15,000 अस्पतालहरूको निर्माण प्रक्रिया राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। मन्त्रालयको अबको योजना के छ? मान्यजीको प्रश्नको जवाबमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पताल संविधानको धारा मन्त्री यादव सरकार पर्याप्त पूँजी खर्च गर सकला पर चिकित्सकके सरकारी अस्पतालमे मात्रै काज करबाक नीति बना देवा कहैत अखनके सरकार देवला रकमसँ नै पुगबाक अवस्था रहल बताउने छलैथ। वन तथा वातावरण मंत्री नवल किशोर शाह सरकारी कार्यालय सबमे स्वदेशी काठ उपयोग हेबाक उद्देश्य लक कानून निर्माण कैल जेबाक बतौलन अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में सांसद सब मंत्रालयगत बजट ऊपर राखने जिज्ञासा के जवाब देबाक क्रम में ओ ई बात बतौलन अछि। मंत्री शाह देश में रोजगारी के समस्या समाधान कर सेहो ई कदम महत्वपूर्ण योगदान पहुँचेबाक दावी कयलनि अछि। ओ निकुंज आरक्षण आ मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय सरकार के जिम्मा देल जेबाक प्रस्ताव सेहो केने छथि।
स्थानीय जनता के पीड़ा संबोधन करस्यो सरकार द्वारा इस क्षेत्र के जिम्मा स्थानीय सरकार के देनाय उचित हेवाक मंत्री शाह के कथन छल। स्वीकृत वन कार्य योजना बमोजिम समूह मार्फत नई कार दौरा को आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको छ। हरियाली परिवर्तन का कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ। वृक्षारोपण बिरुवा उत्पादन जस्ता कार्यक्रमहरु संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरु तथा उपभोक्ता समूहहरु समेतको सहभागितामा कार्यान्वयनमा लाइन। मन्त्री साहब वन ऐन संशोधनक विषयमे सेहो अपना प्रयास क रहल बतौने छलथि। युवा तथा खेलकूद मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रीय खेलकूद नीति पुनरावलोकन के काज भ रहल बतौलन। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में मंत्रालयगत बजट पर सांसद सब उठाने प्रश्न के जवाब देवाक क्रम में ओ ई बात बतौलन। मंत्री श्रेष्ठ राष्ट्रीय युवा नीति परिमार्जन के लिए सब प्रदेशक सरोकार वाला सब संग सेहो सुझाव लेल गेल जानकारी दिलन। ओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पदक विजेता खिलाड़ी सब के पुरस्कार के राशि बैंकिंग खाता मार्फत खिलाड़ी सब पैबाक व्यवस्था सेहो अपना मिलौने बतौलन। मंत्री श्रेष्ठ बजेटक सीमितता के कारण खेलकूद क्षेत्र के विकास में सहयोग पुगवाक उद्देश्य लक काज कर नहीं सकल सेहो बतौने छलथि। आ व्यावसायिक विश्राम विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। ब्लूर पोल्यूशन ने मेरो अनुहार को चमक नहीं हराई सक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्क ले समृद्ध पैरशूट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वॉश जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चमकिलो र उज्यालो। पैरशूट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिंग फेस वॉश ओरेंज एलोवेरा वेरिएंट्स मा पनि उपलब्ध छ। New Parachute Sun Protect Cream, enriched with natural saffron extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA Triple Plus, my personal sunshade. Kathmandu ke Paradise Manpower ab apne Janakpur Dham mein वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज कर वाला सऊदी कतार दुबई मलेशिया कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी आप अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाय के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाय पड़त। अपने जनकपुर धाम में आब गेल पैराडाइज मेन पावर जाय के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाय के घंटो लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15,000 रुपयो खर्चा होय छले। आब काठमांडू नहीं जाय पड़त मेन पावर अपने से जनकपुर के भवन प्रास में आब गेल है। आ पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहल है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम भ्रमरपुरा चौक परिकर्मा सड़क कॉन्टैक्ट 9801-25430 ISO 9001-2000 सर्टिफाइड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय सभा के सांसद सब बाढ़ भूस्खलन आ डुबान पीड़ित के तत्काल राहत के व्यवस्था मिलाव सरकार संग मांग कने छे। बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक के शून्य समय में सांसद सब शारदा देवी भट्ट सुमित्रा बीसी मृगेंद्र कुमार सिंह यादव लगायत के सांसद सब किसान के मल के आवश्यक व्यवस्था मिलाव के लिए वितरण प्रणाली पुनरावलोकन कर सेहो सरकार के सचेत करौने छे। सांसद भट्ट बाढ़ भूस्खलन आ डुबान पीड़ित के तत्काल राहत के व्यवस्था मिलाव सरकार संग मांग कलन। ओ बरसात से बहुत नागरिक पीड़ित भेल आ ओकर सबके राहत के लेल की काम भ रहल कह के सरकार के प्रश्न सेहो कने छलथि। हामीले चाहिँ यसरी दिएका थिए तिनीहरूमध्ये 2,42,092 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ अनुत्तीर्ण भएका छन्। यो यस्तो नतिजा नकारात्मक सन्देश दिइरहेको छ। यस्तो नतिजाले कतिपय विद्यालयहरू नील भएका छन् र यस्तो रिजल्ट आयो जसले सरकार बालाहरूको चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसैको रिजल्ट पछि असफल भएका केही विद्यार्थीहरूले आत्महत्या पनि गरेका छन्। यो झन् दुःख लाग्दो समाचार हो। सांसद सब वर्षा के कारण भूकंप पीड़ित सब और पीड़ा भोग रहल कहत
ओकर सबके समस्या समाधान में गंभीर बन सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छे। सांसद सुमित्रा विसी जाजरकोट में भूस्खलन के कारण 5 वर्षक बालक के समेत मृत्यु भेल कहत पीड़ित के उचित राहत के व्यवस्था कर सरकार द्वारा विलम्ब कर नहीं हेबाक बतौने छलथि। तहिना सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव किसान के मल के अभाव होबा नहीं देवा आवश्यक व्यवस्था मिलावा एकर वितरण प्रणाली में पुनर्अवलोकन कर सरकार के दबाव देने छलथि। ओ किसान सब सुलभ आ सहज रूप में मल पैबाक व्यवस्था मिलावा से सरकार संग मांग केने छलथि। तहिना सांसद तुलसा कुमारी दाहाल सार्वजनिक विद्यालय में गुणस्तरीय शिक्षा के लिए जोर देव सरकारक ध्यान आकर्षण करौलन। ओ सरकार सार्वजनिक विद्यालय के शिक्षा में सुधार नहीं कर धरि देशक शैक्षिक क्षेत्र प्रगति कर नहीं सकबाक सेहो बतौने छलथि। सांसद दाहाल एसी परीक्षा में बहुत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भेला से एकर एहन अवस्था आव नहीं देव सेहो सरकार के चाँख देव आग्रह केने छलथि। गइराख्नु भएको छ उहाँलाई औषधि उपचारको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गरी बाढी पहिरो जस्तै त्यहाँका जनताहरू त्यहाँ जावा गर्न सधैँ तर्सित छन् र त्यहाँका पुलहरू भत्किएका छन् र यसप्रति सरकारको ध्यान जाओस् र यो ठुलो क्षति हुनबाट निर्वाचन आयुक्तमे सिफारिस कृष्णमान प्रधान के संसदीय सुनवाई स्थगित कैल गेल छे। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में संसदीय सुनवाई समिति के बैठक बैसलो पर उजड़ीकर्ता सब के बात सुनला संगे अनिश्चित काल के लेल संसदीय सुनवाई स्थगित कैल गेल छे। बैठक के विषय में जानकारी करबै तो समिति के ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जबड़ा आई के बैठक में उजड़ीकर्ता सब संग पूछताछ भेल आ उजड़ीकर्ता अपन धारणा रखवा काज भेल बतौलन। ओ उजड़ीकर्ता सब राखने धारणा में विचार विमर्श कर और समय आवश्यक भेला से अनिश्चित कालक लेल सुनवाई स्थगित केने बतौलन। ओ समिति नाम अनुमोदन मात्रे करबाक भेलो पर अनुमोदन के लेल समेत समय आवश्यक भेला से समय बढ़ावा के निर्णय भेल बतौलन। समय चाहिए को हुनाले अहिले कुन दिन भनेर नतोकिकन यो कुरालाई अहिलेको लागि स्थगित गरियो। होइन अब उजुरीकर्ताहरूले आफूले बोलेको कुरा सार्वजनिक नगर्ने आधारमा हामीलाई कुरा गरेका थिए। अब कुराहरू के भन्नु महत्त्वपूर्ण थियो। निर्वाचन आयोग जस्तो सम्बन्ध सभापति जबडा निवेदनकर्तासँग परामर्श कला बाद निवेदनके विषयमे आओर अध्ययन कयल जेबाक आवश्यकता समिति महसुस केने बतौने छलथि। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारी सब आईसीओ मंत्रालय में धरना देने छे। बृहस्पति दिन सेहो अधिकृत स्तर के कर्मचारी सब मंत्रालय के प्रवेश द्वार में धरना देने छे। 2075 साल में सरकार समायोजन अध्यादेश ऐन मार्फत समायोजन कला बाद संघ में समायोजित भेलो पर विभिन्न बहाना में अपना सबके वृत्ति विकास के लिए नियमित रूप में लोक सेवा नहीं खुलाओल गेल आ ONM सेहो नहीं भेला से सांकेतिक विरोध स्वरूप धरना में बैसल कर्मचारी सबके कथन छे। कृषि मंत्रालय में समायोजन भेल प्राविधिक कर्मचारी सब अपन वृत्ति विकास रोकेला से वृत्ति विकास सहित के दरबंदी यकीन कर मार्ग मांग करत धरना देने कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय के कृषि अधिकृत माधव पौडेल बतौलन। वो 6 वर्ष भ चुकला पर समेत वृत्ति विकास नहीं केने आ नियमित रूप में लोक सेवा नहीं खुलाओल गेल आ ONM नै क्लास धारणा देव परल बतौलन। प्राविधिक उपसचिवहरु चाहिँ खाली भइसकेपछि राजीनामा वा अवकाश भइसकेपछि चाहिँ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीकाले स्वतः बढुवा हुने अवसर प्राप्त गर्न पाउनु पर्थ्यो। प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा वा चाहिँ फाइल ज्येष्ठता जे भयो भने बढुवा हुने अवसर पाउनु पर्थ्यो। त्यो अवसर हामीले पाएनौँ। लोकसेवा नियमित रूपमा खुलेन र यसका लागि विभिन्न समस्या जिम्मेवार भएको हुनाले सरकारलाई यो अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नै भेला बाद अपनासँग मानहानिको मुद्दामे अदालत गेल सेहो बतौने छलथि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।